रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यशो नाइक जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन जी रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ श्री राकेश कुमार सिंह जी भदौरिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नारवणे, सेक्रेटरी डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के एमिनेंट साइंटिस्ट, एमओडी के सारे ऑफिसर्स, सभी अवार्डीज और अन्य यहां पर उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, सचमुच इस एनुअल साइंटिस्ट अवार्ड सेरेमनी में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सामान्यतः जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसको लोग बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन मैं अपने को केवल यही तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि भारत सुपर पावर बनने के लिए सुपर इकोनॉमिक पावर भी बने और साथ ही साथ सुपर मिलिट्री पावर भी बने, और उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यदि किसी का हो सकता है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का हो सकता है और है। इसलिए मैं केवल बधाई ही नहीं देता हूं, आप सब जो वैज्ञानिक यहां पर मौजूद हैं उनको भी और समस्त देश के अपने वैज्ञानिकों को मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं। पर्दे के पीछे रखकर देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन आपके द्वारा किया जा रहा है, शायद देश का आम आदमी इसको नहीं समझ सकता है। आपने कभी इस बात की चिंता ही नहीं की कि हमको इससे शोहरत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारी जिंदगी आपने खपा दी। और मुझे यह बताया गया कि 70 साल, 72 साल, 74 साल की उम्र में भी, रिटायर होने के बाद भी लोग इस काम में लगे हुए। इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ा पेट्रियोटिज्म का दूसरा मिसाल और क्या हो सकता है। मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ऐसे कार्यक्रमों की अहमियत होती है जिसमें कि पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिकों को अथवा जो अचीवर्स होते हैं, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है, मनोबल बढ़ता है। टूटे मन का व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, जिसका मनोबल ऊंचा होगा वही जिंदगी में कुछ हासिल कर सकता है और बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की अहमियत होती है, और इसके लिए मैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस समय तो पैंडेमिक के दौर से हम गुजर रहे हैं, एक हाल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पैंडेमिक का यह दौर समाप्त होता है तो बड़े स्तर पर भले ही हमारे 10 वैज्ञानिकों को ही क्यों न सम्मानित करना हो, 10 वैज्ञानिकों को ही क्यों न अवार्ड देना हो, बड़े स्तर पर खुले मैदान में यह आयोजन किया जाना चाहिए और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाना चाहिए। देश समझे, दुनिया समझे कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यह क्या कर रहे हैं। और मैं जानता हूं टेक्नोलॉजी हो, सेल्फ रिलायंस हो अथवा परफॉर्मेंस एक्सलेंस के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, जो कामयाबी हम लोगों की को हासिल हुई है, उसका पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप जैसे वैज्ञानिकों को ही इसका पूरा श्रेय जाता है। और मुझे तो यह बताया गया है कि यह डीआरडीओ, यह ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्थापना के प्रारंभ से ही, माने प्रोजेक्ट इंडिगो से लेकर आज तक, यानी हाइपरसोनिक डेमोंस्ट्रेशन व्हीकल के सफल परीक्षण तक, एक लंबी यात्रा इसने की है और आर्म्ड फोर्सेस को ताकत देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाई लेवल टेक्नोलॉजी इस डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, यह कोई छोटी बात नहीं है। और पिछले कुछ समय में डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि 1.5 वर्षों से मंत्री के रूप में मैं भी अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए, चर्चा के माध्यम से भी, वैसे भी जो कुछ भी
मैं अनुभव करता हूं, मैं कह सकता हूं बहुत सारे सफल प्रयास डीआरडीओ के द्वारा किए गए हैं और आपके सेक्रेटरी डीआरडीओ समय समय पर जब कभी भी एक कोई कामयाबी हासिल होती है तो शायद पहला टेलीफोन करके मुझे इस बात की जानकारी देते हैं और मैं इन्हें कांग्रेचुलेट करता हूं। केवल इन्हें कांग्रेचुलेट नहीं करता हूं बल्कि जो जिन लोगों ने इस कामयाबी को हासिल करने में अपनी अपना सब कुछ खपाया है, अपने टैलेंट का उपयोग किया है, यह मैसेज उन तक पहुंच जाए इसलिए मैं सेक्रेटरी डीआरडीओ को कांग्रेचुलेट करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि चाहे वह मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हो, तेजस हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो, अंडर वाटर सिस्टम्स हैं, ये या सब सारे राडार सिस्टम हो, इन सभी सारी चीजों ने हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेसिटी को भी बढ़ाया है और हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को भी इसको बढ़ाया है। आज हिम्मत के साथ हम कहते हैं ना कि हम किसी का मुकाबला कर सकते हैं। भारत में अन्य लोगों को जानकारी जिनको नहीं है नहीं होगी, लेकिन हमारी फोर्सेज ने सचमुच जो काम इस समय किया है वह करिश्माई काम किया है, कोई छोटा काम नहीं किया है। इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी फोर्सेस का है, लेकिन वहीं पर आप वैज्ञानिकों का, यदि आपने हाईटेक टेक्नोलॉजी का इजाद न किया होता, अच्छे अच्छे वेपन्स न बने होते, अन्य आपके कॉन्ट्रीब्यूशन न होते, तो यह जो कामयाबी मिली हो चाहे वो कामयाबी न मिलती और या अथवा कामयाबी के प्रति हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस ना होता। बहुत बड़ा काम किया है आप लोगों ने और यंग साइंटिस्ट लैब्स की आपने बात की है। अब मुझे तो यह भी जानकारी मिली है, पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन यंग साइंटिस्ट लैब इसमें यह भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं तो कहना चाहूंगा सेक्रेटरी डीआरडीओ को कि इसकी ओर जरा विशेष तवज्जो दिए जाने की जरूरत है, विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके यंग साइंटिस्ट लैब के कंट्रीब्यूशन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें किस प्रकार के इंसेंटिव्स की आवश्यकता है, इसके बारे में भी एक बार विचार होना चाहिए। डिजाइन डेवलपमेंट इनोवेशन के क्षेत्र में भी आप वैज्ञानिकों ने जो काम किया है उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है और डिफेंस की बात तो अपनी जगह पर है। कोविड के का संकट जब इस देश के सामने आया, देश नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने जब कोविड का संकट आया, एक समय तो प्रारंभ का जो समय था जब कोविड का यह दौर आया था तो लोग बहुत घबराए हुए से थे। डॉक्टर से हम लोगों से बातचीत में कहते थे साहब हमारे यहां वेंटिलेटर नहीं है, हमारे यहां सैनिटाइजर इतने नहीं मिलेंगे, इतना मास्क बहुत समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, लेकिन डीआरडीओ ने वेंटिलेटर्स बनाने में मास्क पीपीई किट्स यह सब सारा और सैनिटाइजर्स वगैरह जो काम किया है उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं बधाई देना चाहता हूं डीआरडीओ और इतना ही नहीं दिल्ली में और एक शायद बिहार में भी, बिहार में कोविड के दोनों हॉस्पिटल्स भी खड़े कर दिए और लोग ये बतलाते हैं कि उन हॉस्पिटल्स में जो लोग लौट कर आए हैं वो मुझे बतलाते हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज वहां पर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। भारत को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी आपको ये बतलाया है कि कल ही हम लोगों ने जो डीएसी में फैसला किया है कि लगभग 27-28 हजार करोड़ का रहा होगा जिसमें कि 26 या 27 हजार करोड़ का केवल इंडिजिनस आइटम हम लोग खरीद रहे हैं। उसमें भी किसका कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का ही कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ आपने पेटेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इस भारत की इंडस्ट्रीज को एक इंडिजनाइजेशन की दृष्टि से काफी हद तक मदद की है, ऐसा मेरा ये मानना है। और डीआरडीओ में तो पब्लिक प्राइवेट और एकेडमिया की और
से पार्टनरशिप करके साथ ही साथ जो रिसर्चर और यूजर के बीच में भी तालमेल बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। ये जानकारी मुझे दी गई, इसलिए मैंने वह सब क्या किया है उसका मैंने नोट ले रखा है। लेकिन यह मैं कहना चाहूंगा, ग्लोबल सिचुएशन, वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और साथ ही साथ जो डिफेंस के इक्वेशंस होते हैं, रक्षा के जो समीकरण होते हैं, यह भी तेजी के साथ बदल रहे हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं समझता हूं कि कहना यह मेरा रक्षा मंत्री होने के नाते फर्ज है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन हमसे ज्यादा आप सोच रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, आप कर रहे होंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। साइबर वारफेयर का सवाल है, स्पेस में भी के क्षेत्र में भी बहुत सारे चैलेंजेस इस समय हम लोगों के सामने हैं, और मैंने देखा कि इस क्षेत्र में भी जिन वैज्ञानिकों ने काम किया है उनको आज यहां पर पुरस्कृत किया गया है। और जो भी चैलेंजेस हैं उनका एक मेरा यह मानना है कि रियलिस्टिक असेसमेंट उसका किया जाना चाहिए। रियलिस्टिक असेसमेंट भी अपने में महत्वपूर्ण है। जब तक रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं होगा तो उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए जो कुछ भी आपको करना चाहिए वो कैसे कर पाएंगे, इसलिए वो भी किया जाना चाहिए। अब नॉर्दर्न बॉर्डर की हमारे सीडीएस ने उसकी चर्चा की, वेस्टर्न बॉर्डर उसकी भी चर्चा की। इस समय इन दोनों बॉर्डर पर भी जो चैलेंजेज हैं उसके कारण हमारे रिसोर्सेज के सामने भी एक चुनौती है। लेकिन बॉर्डर्स पर हमको कामयाबी मिले इसमें रिसोर्सेज की कमी हमारी सरकार नहीं आने देगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं आने देंगे, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं, नहीं आने देंगे। और लेकिन फिर भी हमें अपने कोविड के कारण भी देश की इकॉनमी पर जो एक एडवर्स इंपैक्ट हुआ है उससे भी आप परिचित हैं। तो यानी जो भी हमारा बजट है उस बजट को हम कितनी इफिशियंटली यूटिलाइज कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं समझता हूं कि विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और साइंटिस्ट कम्युनिटी तो मैं जानता हूं कि हर चीज का इफिशियंटली कैसे मैक्सिमम यूज किया जा सकता है इस कला से वह अच्छी तरह परिचित हैं। एक बात और अपने भाषण में सीडीएस ने कही थी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इनके द्वारा मिल गए इसलिए मुझे बोलने में सुविधा हो रही है, कि रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बराबर अनसर्टेंटी बनी रहती है कि पता नहीं कामयाबी मिले न मिले। क्योंकि मैं तो ऐसे भी वैज्ञानिकों को जानता हूं कि उन्होंने 30-30 साल, 25 साल, 45 साल, 40 साल तक काम किया है, तब जाकर थोड़ी बहुत कामयाबी मिल पाई। ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि कोई लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया तो उसको हासिल करने के लिए सारी जिंदगी गुजार दी, तब वो नहीं कर पाए तो आगे आने वाली पीढ़ी ने उस काम को किया। स्वाभाविक है, सफलता मिलती है तो मनोबल ऊंचा होता है, सफलता नहीं मिलती है तो मनोबल टूटता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे लगन के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है। असफलता मिल जाए तब भी 100% अचीवमेंट नहीं, बल्कि इस कॉन्फिडेंस से काम करने की जरूरत है कि हम 200% अचीवमेंट हासिल करेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमको काम करते रहने की जरूरत, और इस दिशा में आप सब लोग काम कर रहे हैं, सचमुच मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और टैलेंट्स का, प्रतिभाओं का जिस तरीके से सम्मान होना चाहिए, मैं DRDO से भी कहूंगा, और शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से इन सारे टैलेंट्स का सम्मान होने का कोई न कोई तरीका हमको लाना पड़ेगा। और अगली बार जब भी वैज्ञानिकों का सम्मान हो, सारी मीडिया को इन्वाइट करिए, लोगों को इन्वाइट करिए, ऑफिसर्स को इन्वाइट करिए, उनके सामने जनता, कुछ ऐसी डिग्निटरीज भी हों जो हमारे इंडस्ट्री के पार्टनर्स हों वो भी हों, और उनके सामने इनका सम्मान होना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं। और आज के समारोह में मैं एक बार पुनः यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ काम किया है और इस देश को एक अपना योगदान दिया है, मैं पुनः उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। और अंत में पुनः दोबारा मैं एक बार शीश झुकाकर आपका भी
और इस देश के सारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।